हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मोमोज की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है। मोमो की चटनी की रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दी है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी बने हैं मोमोज, और अभी तो सबको घर पे ही ऑप्शन है, तो आप जरूर ट्राई करना। अब मैंने इसमें ऑयल लिया है, राई ऐड कर दी है। जब तड़कने लगी है राई, अब मैंने कटा हुआ प्याज ऐड किया है। और फिलिंग की बात रही मोमोज की, तो आप अपनी चॉइस से वैसे कोई भी फिलिंग बना सकते हैं। मैंने आज सोया फिलिंग बनाई है, तो प्याज ऐड कर लिया है। दो बड़े प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप किया है, और उसके बाद जो सोयाबीन की बड़ी होती है उसे मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। प्रोटीन का काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, और बच्चों को इस तरीके से आप खिला सकते हो, इसलिए मैंने ये बनाया है। और हमें सबको घर में बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल पत्ता गोभी वगैरह से भी बना सकते हैं, बट मैं आज जो फिलिंग बना रही हूँ वो सोया फिलिंग है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करना है, पकाना नहीं है इसको, प्याज को, लेकिन मैं बस 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। और इसीलिए मैंने इसके साथ ही सॉल्ट ऐड कर दिया, ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए प्याज। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सोया का ग्रेन्यूल्स, जो मैंने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। भिगोना भिगोना कुछ भी नहीं है, ड्राई को ही आपको इस तरीके से पीस लेना है दरदरा। और अब इसमें हम इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम 4 से 5 छोटे चम्मच, या फिर आप ये कह सकते हो 3/4 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो ये 3/4 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और अब इसे वापस से हम मिक्स कर लेंगे, तो ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर इसे 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मसाले, तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैं ग्रीन चिली वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, बट बच्चे ग्रीन चिली खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, पर मैं आपको साथ साथ ऑप्शंस बताती जा रही हूँ। अब मसाला ऐड करेंगे, सबसे पहले रेड चिली पाउडर, जो कम या ज़्यादा तीखा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आमचूर पाउडर ऐड किया है 1/2 चम्मच, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 से 7 मिनट पकाना है। अगर आपको पानी भी थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। आप धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल खाना बनाना पसंद करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसे हम एक साइड रख देंगे। और अब हम लगाएंगे आटा, मतलब मैदा ली है मैंने 1/2 किलो, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है, और 1 बड़ा चम्मच मोयन ऐड किया है, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप लेते हैं। और फिर अच्छे से इसे इस तरीके से क्रम्बल कर लेना है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट आटा हमें लगाना है, बिल्कुल स्मूथ। तो एक साथ मैं पानी कभी भी किसी भी बैटर या डो में ऐड नहीं करती हूँ, तो इस तरीके से आटा लगाना है बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं। और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अब 20 मिनट के बाद छोटी छोटी लोई इसकी कर लेनी है हमें, जैसा हम पूरी के लिए बनाते हैं, और उसे बेल लेना है इस तरह के। और साइड में मैंने स्टीमर रख दिया है पकाने के लिए, गर्म रखने के लिए पानी उसमें ऐड करके। और इस तरीके से लोई को आप बेल लीजिए, और इस तरीके से आप कैसी भी जैसे चाहे शेप दे सकते हैं मोमो को। मैं राउंड शेप में इसे बना रही हूँ, और बहुत आसानी से ये बन जाता है। और अच्छे से आप इसे सील कर दीजिए, ताकि मसाला निकले ना, तो दबा के इस तरीके से। और मैंने इसे इस तरीके की राउंड शेप दी है, और ये ईजिली, बहुत ईजिली बन जाता है। और देखिए मोमो रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सबके सब मोमो को तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है, और अब एक एक करके हम सारे मोमो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगवाया था मोमो कुकर, जो मैंने आपको अपने फ्लिपकार्ट हॉल में दिखाया है, और ट्रस्ट में बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। अगर आपकी भी छोटी फैमिली तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रख दिया है। अभी इसके 3 अटैचमेंट थे, पर मैंने 2 ही किए हैं, और ये दूसरा मैं रख रही हूँ। और इस पर भी हम मोमोज को सेट कर देंगे। इसको भी ग्रीस कर लीजिए, ताकि मोमोज जो हैं वो चिपके ना।
तो इसी तरह हम सब सेट कर देंगे और अब इसकी लेड से इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे मोमोज को। और अब देखिए एकदम अच्छे से पक गए हैं, तो गैस को मैंने बंद कर दिया और 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दिया है। और अब रेडी हो गए मोमो हमारे, मैंने सर्व कर रही हूँ। गर्म गर्म ही खाने में बहुत मज़ा आता है मोमो। तो चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये मोमोज हमारे, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप भी मेरे जैसे मोमो लवर हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा, और मुझे तो मोमोज बहुत पसंद है। तो आप बनाना और ट्राई करना, और रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो इन्जॉय, बनाइए और गर्मा गर्म मोमोज खाइए।